अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 8 है विजुअल बेसिक का। इसमें आप लोगों को सिखाएंगे कि किस तरह हम आउटपुट हैं जो फॉर्म के ऊपर प्रिंट कैसे करवाएंगे। पहले हम सीख चुके हैं कि टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए आउटपुट देख चुके हैं, उसके बाद मैसेज बॉक्स के ज़रिए हम सीख चुके हैं। आज हम आपको सिखाएंगे कि आउटपुट जो है हमारे पास वो फॉर्म के ऊपर कैसे प्रिंट करते हैं। तो चलते हैं, आप लोगों का टाइम वेस्ट किए ऑन प्रोग्राम। जी दोस्तों, हम आ चुके हैं और मैं इसको ओपन करता हूं, और यहां पे ओपन करने के बाद यहां पे हम काम शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि मोबाइल व्यूअर्स को पता चलता रहे हम काम क्या कर रहे हैं। और यहां पे सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूं आपको नज़र आए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दो टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, ठीक है। ये पहला आ चुका है, इसके ऊपर मैं इसको सेट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और एक और ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने दो टेक्स्ट बॉक्स ले ली जहाँ पर जिस पर हमने वैल्यू लेनी है, ठीक है। और आज हमने देखना है कि हम फॉर्म के ऊपर किस तरह आउटपुट दिखाते हैं। और एक मैंने बटन ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये बटन मैं ले लेता हूँ, इसको हम क्लिक करें तो आउटपुट आए, ठीक है। और इस तरह मैं इसको थोड़ा सा इसमें जो डाटा है वो ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। इसको सेलेक्ट करना है और आपने बैक स्पेस दबाना ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह इसको भी सेलेक्ट किया और बैक स्पेस ख़त्म किया, और यहाँ पर मैं लेता हूँ, ठीक है, सम। तो यानी सम का प्रोग्राम लिखेंगे और उसमें हम देखेंगे आउटपुट जो है वो उस फॉर्म के ऊपर कैसी आएगी, इस पर हमने काम करना। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी हम काम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है, डेम, ठीक है, नाम वन। यहाँ पे नाम वन के बजाय कोई भी और भी लिख देते हैं ना, ए एस इंटीजर, ठीक है। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ए ले लिया, उसके बाद लिखता हूँ डेम, ठीक है, बी एस इंटीजर। ये दो वेरिएबल ले लिए, उसके बाद मैं सम का वेरिएबल लेता हूँ, मैं लिखता हूँ, ठीक है, या सम ना भी लेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ले लेता हूँ डिम, ठीक है, डिम, ठीक है, सम एस, ठीक है, इंटीजर। और ये देखिए हम टेक्स्ट बॉक्स वन जो हमारे पास है उसमें एक वैल्यू उसमें रखवा देता हूँ, मैं कहूँ एक में रखवा दें वैल्यू जो टेक्स्ट बॉक्स वन की है। तो मैं लिखूँगा टेक्स्ट वन, ठीक है, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट में हम वैल्यू देंगे वो ए में चली जाएगी। इस तरह हम बी में जो टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट है उसकी वैल्यू खा देंगे। तो हम लिखते हैं टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हमने ले ली हैं, अब हमने सम करना है। तो मैं कहता हूँ सम, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है। ये हमने जमा कर लिया, उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये इसकी आउटपुट जो है वो आपको फॉर्म के ऊपर नज़र आए। फॉर्म के लिए प्रिंट करवाने के लिए हम सिंपल वर्ड प्रिंट लगाएंगे। तो मैं प्रिंट, ये प्रिंट लगाएंगे, उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर जो है मैं लिखता हूँ द सम, ठीक है, द सम ऑफ, ठीक है, टू नंबर, द सम ऑफ टू नंबर इज। अब उसके बाद हम यहाँ पे डबल कोटेशन में लगा देता हूँ, और उसके बाद मैं इसके साथ एंड ऑपरेटर लगा के यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको चला के हम देखते हैं कि आउटपुट क्या आती है, और आपके सामने दिखाता हूँ मैं कैसे ये आउटपुट आ रही, ठीक है। और यहाँ से मैं रन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर देखिए फॉर्म ओपन हो चुका है, चल पड़ा है। और यहाँ पर मैं वैल्यू देता हूँ, ठीक है, 45, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ठीक है, कोई भी नंबर दे दो, 67 दे दिया। अब इसको देखिए मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा द सम ऑफ टू नंबर इस 112। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि वाजह नज़र आए आपको, ठीक है। ये देखिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें द सम ऑफ टू नंबर इस 112। और ये देखिए ये फॉर्म के ऊपर प्रिंटिंग हो चुकी है, और इस तरह हम जो हैं वो फॉर्म के ऊपर जो है प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये वैल्यू हम फॉर्म के ऊपर भी प्रिंट कर सकते हैं। ये तीसरा जो तरीका है आउटपुट दिखाने का वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो इस तरह आप जो हैं इसकी फॉर्म की प्रिंटिंग जो है बहुत ही आसान है, सिंपल प्रिंट एफ प्रिंट का फंक्शन यूज़ करेंगे हम, और उसके ज़रिए जो है हम इसको चलाते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये छोटा सा लेक्चर बहुत समझ आया होगा, और इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे हम एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।